सो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि गॉट एयरड्रॉप ने अपनी लिस्टिंग डेट, टोटल सप्लाई, एयरड्रॉप एलोकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनाउंस कर दिया है और आज इन्होंने एयरड्रॉप की एलोकेशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है कि आपको गॉट से कितना एयरड्रॉप मिला होगा। ओके, और गाइस आज हम गॉट एयरड्रॉप का प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे कि गॉट का प्राइस कहां तक रह सकता है। ओके, तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि गॉट एयरड्रॉप आज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। आप जैसे ही गॉट ऐप को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपको कितना एयरड्रॉप मिला है, आई मीन कितने गॉट्स टोकन मिले हैं। ओके, देन इसके बाद जो इनकी लिस्टिंग है वो भी अनाउंस कर दी गई है, देन साथ में एक्सचेंज भी अनाउंस कर दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला नाम गेटआईओ का आया है और दूसरा नाम बिटगेट का है। हमें यहाँ और भी एक्सचेंज देखने को मिलेंगे। इन्होंने लिखा है नेक्स्ट टॉप टायर एक्सचेंज कमिंग सून। ओके, देन इसके बाद इन्होंने अपना मेन क्राइटेरिया भी अनाउंस कर दिया है जो कि काफी शॉकिंग है। तो गॉट एयरड्रॉप में एलिजिबल होने के लिए आपके गॉट पास में कम से कम एक ऑप्शन टिक होना चाहिए तो आप एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। और एलिजिबिलिटी के लिए गॉट पास में मिनिमम 6 रैंक होनी चाहिए। देन इसके बाद इन्होंने एलोकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया है कि किस बेसिस पर एयरड्रॉप मिलेगा। तो इन्होंने कहा है कि गॉट पास में जितने ज्यादा ऑप्शन टिक होंगे उतना ज्यादा एयरड्रॉप मिलेगा और गॉट एयरड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन 1000:1 का रहने वाला है। मतलब अगर आपके पास 1000 गॉट्स हैं तो आपको एक गॉट टोकन मिलेगा जो कि काफी शॉकिंग है, लेकिन ये रेशियो चेंज भी हो जाएगा। अगर आपके गॉट पास में ज्यादा ऑप्शन टिक हैं तो आपको ज्यादा एयरड्रॉप मिलेगा। ओके, अगर आपके गॉट पास में एक ऑप्शन टिक है तो ये क्राइटेरिया वर्क करेगा। अगर दो ऑप्शन टिक है या फिर तीन ऑप्शन टिक है तो आपको ज्यादा एयरड्रॉप मिलेगा। मेरे दो टिक थे तो मुझे यहाँ पर ज्यादा एयरड्रॉप मिला है। ओके, वैसे मेरे 400,000 कॉइंस थे और मुझे यहाँ पर 800 से ज्यादा टोकन मिले हैं। मतलब साफ है कि गॉट पास का मेन रोल है इसमें। ओके, मेरे गॉट पास में दो ऑप्शन टिक थे इसीलिए मुझे यहाँ पर ज्यादा एयरड्रॉप मिला है। ओके, तो गाइस मुझे ये डिसीजन कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कितने गॉट टोकन मिले हैं। ओके, और इन्होंने आगे ये भी कहा है कि प्री मार्केट प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस नहीं है, लिस्टिंग का प्राइस अलग रहने वाला है। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि प्री मार्केट में प्राइस इतना चल रहा है वो लिस्टिंग के टाइम पर भी होगा, तो गाइस ऐसा नहीं है। लिस्टिंग का प्राइस अलग रहता है, सभी एयरड्रॉप में रहता है, इसमें कुछ खास नहीं है। ओके, देन इनकी टोटल सप्लाई जो है वो 20 बिलियन गॉट्स की है, तो जिसको देखते हुए इसका प्राइस 0.001 से लेकर 0.002 डॉलर तक रह सकता है। ओके, लिस्टिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ, प्री मार्केट की नहीं। ओके, देन इसके बाद आज इन्होंने स्टेकिंग का ऑप्शन भी ऐड कर दिया है। अगर आप अपने गॉट टोकन स्टेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हो। ओके, इन्होंने ऑप्शन ला दिया स्टेक का, तो आप कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। ओके, इन्होंने ऑप्शन ऐड किया 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का, 120 दिन का, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टेक कर सकते हो। ओके, तो गाइस अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि गॉट वालों ने जो एलोकेशन बांटी है वो आपके हिसाब से फेयर है या फिर नहीं। ओके, और गॉट और मेजर का कंपैरिजन करें तो गॉट अच्छा है या फिर मेजर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। ओके, तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कल फिर से मिलते हैं नए क्रिप्टो एयरड्रॉप के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। ओके।